समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव मुकुल सिंह आशा व प्रदेश सचिव संजय कश्यप व पदाधिकारी गण व पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को संबोधित ज्ञापन अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यह देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ बहुत ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को नीचे धकेलने का काम किया है। इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर पर ही कराया जाए, क्योंकि जब से ये सरकार देश व उत्तर प्रदेश में बनी है तब से चारों तरफ हाहाकारी मची हुई है। दिन दहाड़े चोरी, लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हर रोज सामने आती है। यहां तक तो महिलाओं का घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं रह गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या समस्या है? देखिए, जिस तरीके से देश में चुनाव हुए और देश की जनता ने वोट दिया, अब देश की जनता का ही कहना है कि हमने वोट जहां दिया वहां नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में भी फूलपुर, कैराना और गोरखपुर में चुनाव हुए जहाँ कई हजार मशीनें खराब पाई गई, तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ये मिली भगत है जिसमें बड़े स्तर पर बेईमानी की जा रही है, जिसमें मोदी सरकार फिर से चाहती है कि देश का चुनाव ईवीएम से हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है क्योंकि जनता अपना गुस्सा बैलेट के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएगी। और इसका उदाहरण अभी जनता ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर में इन्हें बीजेपी को, मोदी सरकार, योगी सरकार को बुरी तरह से हरा के ये दिखाया है कि उनमें कितना गुस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं कई हजार ईवीएम खराब होना बड़ा प्रश्न उठता है कि बेईमानी कराने की उसमें कोशिश की गई है। ईवीएम में क्या खर्च बनाते हो आप? अगर खराब होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप बनाते क्या हो? अगर बनाते हो तो ईवीएम खराब भी हो सकती है, और खराब हो सकती है तो खराब की भी जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सपा के हरदोई के समस्त नेताओं ने, संजय कश्यप जी हैं, आदर्श हैं, सरकार जी हैं, मुकुल सिंह आशा जी हैं और भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि देश में ईवीएम से चुनाव कराने के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा के देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने से बचाएं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों ने मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल, बेल पत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर मत्था टेका। घरों से लेकर शिवालय तक भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने जल अभिषेक व रुद्र अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को मनाया। झूम रहे सावन के बीच जगह जगह कावड़ यात्रा धूमधाम से निकलती देखी गई। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित साका का शिव संकट हरण मंदिर पर सुबह से ही काफी भीड़ रही। सुरक्षा की दृष्टि से यस आई राहुल द्विवेदी मुस्तैदी के साथ पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। हर हर बम जय भले के जयकारों से पूरा शिव मंदिर गूंज उठा। मंदिर की क्या खासियत है? मंदिर की यही खासियत है कि यहाँ के बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं जो हैं बहुत सिद्ध होती हैं, और जो यहाँ भोलेनाथ को भेटने के लिए आता है वो उनको भेंट नहीं पाता। अगर कोई श्रद्धा से आता है तो भेंट लेता है। अगर कोई खास बात ऐसी है, इसकी स्थापना ऐसी है, स्थापना इसकी ताऊ जी ने तो 1857 के पहले दिखाया है इसका, विक्रमादित्य के समय का, लेकिन इसका बाद में 1947 के बाद का है, 1947 से 1857 के करीब का है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आष्टा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की जावर तहसील में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का बखोल उड़ाया जा रहा है। जावर नगर परिषद ODF होने के बाद से स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणमान्य नागरिकों ने बताया कि नेवच नदी के तट राम मंदिर राम घाट पर गंदगी और कचरे के ढेर से लबरेज है। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा भी सारा कचरा नेवच नदी के तट पर लाकर डाल दिया जाता है। इससे नागरिक और धर्म प्रेमी बंधुओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नागरिकों द्वारा कई बार आला अधिकारियों को इस बात से अवगत भी कराया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। वहीं धार्मिक स्थलों पर भी गंदी व्याप्त है। राम मंदिर के पीछे राम लीला मंच के पास और छोटी मस्जिद के आसपास काफी गंदगी व्याप्त है। इस बात से नागरिक में काफी रोष है और नागरिकों द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर यही हाल रहा तो उनके द्वारा नगर परिषद और संबंधित व्यक्तियों का घेराव किया जाएगा। राम मंदिर प्रांगण है, 17 पिछली 17 और 18 तारीख को हेल्पलाइन पे भी
उनकी शिकायत की थी, उसके बावजूद वहाँ से थोड़ा सा 10 फीट दूरी कचरा हटाया गया और वापस भी डाल रहे हैं। यहाँ पवित्र नेवज मैया का स्थान है और मेन रोड भी है, यहाँ से 40-50 गाँव के लोग निकलते हैं। नगर पंचायत को क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों कचरे की तरह उनका उन लोगों का भी दिमाग चढ़ गया है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि कम से कम सार्वजनिक स्थलों का ध्यान रखा जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में स्वच्छता अभियान का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है स्वच्छता अभियान, और पूरे देश में स्वच्छता अभियान काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हर शहरों में नंबर वन रखा जा रहा है स्वच्छता में, सब जगह साफ सफाई देखी जा रही है हर जगह। पर कहीं ना कहीं जावर नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। देखते हैं हम कि नेवज मैया का तट है यहाँ पर बाई ओर, इस नेवज मैया के तट पर लाकर सारा कचरा यहाँ पर नगर पंचायत अपना इकट्ठा कर देती है और ना ही कोई उसे उठाने वाला है। ऐसा लगता है कि यह कचरा यहाँ पर ही सड़क के बदबू मार के पूरे शहर पूरे गांव में इसकी बदबू जाती है। यहीं पास में देख रहे हैं आपके राम मंदिर है सामने, यहाँ पर हमारे धार्मिक स्थल है और यहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनको इस बदबू में से आवागमन करना पड़ता है और यहीं से हमारा रोड भी निकलता है जावर का। यहाँ पर से पूरे गाँव के लोग जब बाहर के लोग आते हैं तो वो भी ये सोचते हैं कि देखो जावर में ही साफ सफाई नहीं तो हमारे गाँव में हम साफ सफाई क्या रखें। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात के लिए ठेस भी एक टीस भी है कि कहीं ये कचरा अगर जावर के अंदर इतना है तो फिर हमारे गांव में तो कोई जरूर मतलब अगर थोड़ा भी है तो थोड़ी सोचेंगे साफ सफाई करने की। नगर पंचायत को अवगत कराया आपने इस बात? नगर पंचायत को बता दिया गया था कि यहाँ पर कचरा सा गिरा जा रहा है, इन लोगों के द्वारा भी शिकायत की गई है। हमारे ये विक्रम सिंह जी पटेल साहब, इन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है और ये कचरा यहाँ पर बन गया जाए क्योंकि यहाँ पर कचरा फेंकने की जगह नहीं है। ये नेवज मैया का तट है और यहाँ पर और हर जगह नदियों पर साफ सफाई चल रही है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हर जगह नदियाँ पूरी तरह क्लीन और साफ चल रही हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं हम देखते हैं इधर रामघाट बना हुआ है वहाँ पर भी कचरा पूरा पड़ा हुआ है। पूरा रामघाट आज तक सफाई नहीं हुई कभी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पूरा नदी का तट ही है। यहाँ पर देखो ये कचरा पूरा बदबू मारता है, इतना कचरा पड़ा है, दुकानें हैं और यहाँ पर ये जो बाथरूम बना हुआ है ये सुलभ शौचालय जन सुविधा केंद्र पर नाम का जन सुविधा केंद्र कोई जन सुविधा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर कितना मतलब गंदगी, अंदर जाएंगे तो मतलब जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम बाथरूम करके नहीं आते हैं और बाहर आ जाता है मतलब कोई भी व्यक्ति आता है। और देखते हैं यहाँ पर कई यहाँ पर जनमानस यहाँ पर जब कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियों में उनको कार्यक्रम करना पड़ता है। और आज देखते हैं हम कि वो साफ सफाई खुद बेचारे करते हैं और ये कचरा जब देखते हैं तो कचरा खुद बेचारे कहीं ना कहीं उठा के उनके हिसाब से डलवाते हैं और यहाँ पर साफ सफाई होती नहीं है और जावर में आज ये कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है। कृपया प्रशासन को ये बात हमारी पहुँचाई जाए, ये कचरा उठवाया जाए और जावर नगर को साफ सफाई साफ किया जाए और कचरा मुक्त किया जाए। आष्टा से शेख फैजान की रिपोर्ट। डिप्टी सीवीओ डॉक्टर सीमा को पानी ना देने का प्रकरण अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक मामले ने जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। पैंसा के लोधन का पूर्वा गांव के अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा करने से रोका गया, इसके आहत लोगों ने IGRS पोर्टल पर DM से शिकायत की। DM ने CEO सिराथू से तत्काल जांच रिपोर्ट मांगी है। पैंसा थाना क्षेत्र के लोधन का पूर्वा मजरा केमा गांव के ओम प्रकाश ने IGRS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत DM से की है। ओम प्रकाश का आरोप है कि गांव हर साल सावन माह में गांव के लोग मवेशी व ग्रामीणों की सुख संपत्ति के लिए उतारा करते हैं, इसके अलावा इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। इसके लिए बाकायदा गांव के लोगों से चंदा भी किया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है, इस बार भी चंदा किया गया लेकिन एंड वक्त पर उनके समाज के लोगों को पूजा करने से रोक दिया गया। बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को उतारा होना था लेकिन उनके समुदाय के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये भी आरोप है कि उन्हें पूजा से रोकते हुए कहा गया कि वह अपनी पूजा पाठ अलग करे, इससे गांव के लोग आहत है। शिकायत को DM ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच CEO सिराथू को सौंप दी है। सदियों से मतलब उतारा हमारे गाँव में होता है और पूजा उजा धन भी उगाही सब लोगों से लिया जाता है। आज से मतलब पूर्वजों से लेकर आज तक मतलब हमेशा लिया गया, इस बार मतलब कुछ लोगों के कहने पर इन दलितों से पूजा अर्चना में ना शामिल किया जाए, इनको उतारा से बाहर कर दिया जाए, इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे ऑनलाइन शिकायत की है। तो क्या तुम लोगों को पूजा नहीं करने दिया साथ में? पिछले बार रामायण किए तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया गया, दलित वर्ग कह के तुम अछूते हो उल्टा सीधा, और बोलते हैं राम बहोरी हैं एक होरी लाल है। इन लोगों के कहने पर मीटिंग बना के हम लोगों को अपनी बार नहीं, जितने भी दलित हैं उनको किसी को पूजा नहीं करने दिया गया, किसी को नहीं किया गया करने दिया गया। एक मतलब छोटी सी बस्ती है और 8-10 लोगों को घर का। हाँ,
उन्होंने पूजा नहीं करनी नहीं करने दिया। अच्छा जी, आपके क्षेत्र में खेमा गांव है जहाँ पे कुछ लोगों ने शिकायत की है इसमें कि SCI से उनको पूजा मंगाव करने शामिल किया गया। देखिए, मुझे जानकारी आपके चैनल के या तो आपके माध्यम से मिल रही है। पहली बात तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरे गांव के जितने भी लोग रहते हैं या जिस समाज के हों, तो समाज के जितने भी लोग हैं साथ साथ उतारा में शामिल होते हैं। ये प्रथा सदियों चली आ रही है और चल भी रही है और जाएगी भी। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी संबंधित कोई अगर इसमें विवाद पैदा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज 21वीं सदी में भी जात की बात करना, जात के आधार पर भेदभाव करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इस विषय को संज्ञान में लिया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया है तो जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करने किया जाए। कैमा गांव में करीब 100 साल से गांव के सभी लोग आपसी भाईचारा बनाकर इस पूजा को सम्पन्न कराते थे और ये मुझे मीडिया के माध्यम से कल मालूम चला है कि DM साहब की इसकी शिकायत की गई है। उसको DM ने गंभीरता से लेते हुए SP को जांच के आदेश दे दिए हैं और मेरा मानना है कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं ये भी मांग करता हूँ कि ये जो 100 साल का जो भाईचारा था ये अचानक कैसे टूटा, इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं, इसकी जाँच होना अनिवार्य है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बसपा यूथ गांव में जाएगी और फिर से सब गांव के लोगों के बीच में बैठकर फिर से भाईचारा आपस में कायम करने का प्रयास करें। UP के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस पर सोने के बिस्किट चोरी करने का आरोप लगा है। दरअसल दही चौकी क्षेत्र इलाके में एक कार और एक गैस टैंकर में टक्कर हो गई, जिससे कार में बैठा सोना व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं व्यापारी के बैग में रखे सोने के 1-1 किलो के बिस्किट गायब हो गए। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके के दही चौकी क्षेत्र में कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रही I-10 कार और गलत दिशा से आ रहे गैस टैंकर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चला रहा कानपुर निवासी सोना व्यापारी आशीष गुप्ता स्टेयरिंग से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने 100 नंबर पर फोन कर हादसे की सूचना दी। लोगों का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले गए। वहां से घायल को कानपुर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। वहीं घायल के मोबाइल से हादसे की सूचना परिजनों को भी दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने जब आशीष का बैग देखा तो उनके होश उड़ गए। घायल की मां का कहना है कि आशीष घर से 3 किलो सोना लेकर लखनऊ के लिए जा रहा था, जो उसके बैग में नहीं है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस के अलावा किसी ने भी बैग को नहीं छुआ था। पीड़ितों ने पुलिस पर माल गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं SP हरीश कुमार का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। एक्चुअली आशीष गुप्ता के नाम से ये जो पर्सन है ये हमारे पड़ोसी भी थे। ये विष्णुपुरी से अपना 3 किलो सोने की डिलीवरी लेके ये अपने घर से निकले हैं नखलऊ में। अब नखलऊ में इनको उसका जेवर बनवाना था, क्या करना था ये तो वही जानते हैं। लेकिन बीच में यही दही चौकी के पास इनकी गाड़ी का एक ट्राली से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इनकी आधा घंटा करीब स्थिति जो रही वो होश में नहीं रही। उस बीच में कुछ लोगों ने इनको निकाल के डिवाइडर पर लिटाया और लिटाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच कर उसने सारा सामान अपने कब्जे में किया और इनको जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल भेजने में हम लोग वहाँ पर उस समय तक पहुँच गए थे तो उससे मेरी बात हुई। तो मेरे बात होने पर उसने बताया कि 3 किलो सोना मेरा गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ है काले बैग के अंदर में, तो आप जाके ले लीजिए। मौके पर जब आए तो पुलिस के मार्फत हमें वो बैग बरामद हुआ, लेकिन उस बैग पर माल नहीं था तो उसी की इंक्वायरी ये चल रही है। एक्चुअली मौके पर जब घटनास्थल पर हम लोग दोबारा गए अरुण जी के साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोगों का बयान था कि किसी भी पब्लिक ने बैग नहीं छुआ है, केवल आदमी को जो घायल आदमी था उसको निकाल के डिवाइडर पर लिटाया हुआ है और जो इनका मौके पर मौजूद सिपाही था उसी ने सारा सामान अपनी कस्टडी में लिया है। इसीलिए हम लोगों को शक है कि वो जो माल गया है वो पुलिस के ही किसी आदमी के मार्फत या तो गायब किया गया है या कुछ भी। पुलिस का कहना है कि उसकी दोनों चैन पहले से खराब थी। चैन उसकी एक खराब थी और एक जो फ्रंट वाली चैन नहीं खराब थी उस पर उसका माल रखा हुआ था। पहले से नहीं खराब थी दोनों चैने, एक चैन ऐसा उनकी मम्मी ने बताया हुआ जो हम लोगों को ज्ञात हुआ। जिसे निकाला वो शादी वादी में थे या वो थी? नहीं, जो वहाँ पे घटना स्थल पे हमें जानकारी मिली तो वहाँ पे बयानों के हिसाब से जो निकाला गया वो पुलिस की वर्दी में ही आदमी था। अब वो जनरल आदमी था या पुलिस वाला था ये हमें नहीं पता। मेरा बेटा निकला था लखनऊ जाने के लिए घर से,
पौने 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, एक्सीडेंट हो गया है दही चौकी के पास, वहाँ से निकले थे तब तक उसको ले जाके हॉस्पिटलाइज किया। फिर गाड़ी हमारी यहाँ आ गई थी पुलिस चौकी में, यहाँ पर जब सामान मांगा तो बैग में सामान था 3 किलो सोना, वो सोना नहीं है बाकी सामान है। बेटा रिजेंसी में करती है अभी, उसकी तस्लियों में चोट वगैरह आई। क्या माने आप सोना किसने किया? अब ये तो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, जैसा होगा वही लोग निश्चय निकालेंगे। कितने का सोना? 3 किलो। अभी हम आरोप कैसे लगा सकते हैं जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए? पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो लोग जब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। ये आज सुबह करीब 11:45 के लगभग की घटना है। श्री आशीष गुप्ता सनब श्री दीपक गुप्ता ये कानपुर विष्णुपुरी के रहने वाले हैं। इनकी कनक ज्वेलर्स के नाम से नयागंज कलेक्टरगंज कानपुर में इनकी दुकान है। तो आज इनका दही चौकी के पास में पूर्वा मोड़ जो पड़ता है वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में इनको चोट लगी थी तो इनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई थी। तो पब्लिक के द्वारा भीड़ के द्वारा इनको उनसे निकाला गया, गाड़ी से निकाल करके इनको डिवाइडर पर लिटाया गया, एम्बुलेंस मंगवाई गई और एम्बुलेंस मिलवा करके इनको अस्पताल भेजा गया। बाद में ये पता चला था मीन टाइम में कि इनका गाड़ी में एक बैग भी था और उस बैग में जैसा कि बताया जा रहा है उसमें 3 किलो सोना था उसमें बैग में। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस के कर्मी भी पहुंचे थे, भीड़ भी वहाँ पे भी करीब 150 के लगभग की भीड़ बताई जा रही वहाँ पे थी, जिनके द्वारा ये इनको निकाल करके घायल को अस्पताल पहुँचाया गया था। तो उसके संबंध में हमारी सारी टीमें लगी हैं, मैंने SOG की टीम को भी लगाया है और तत्काल मौके पर CO को भेजा था, तत्काल SP नॉर्थ है उनको भेजा था, मैं स्वयं भी मौके पर गया था और जितने भी इसमें पहलू हो सकते हर एक पहलू की हम तहकीकात कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो ये मजरूब हैं घायल हैं आशीष गुप्ता, इनकी जानकारी के लिए भी मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा था वहाँ पर रेजेंसी हॉस्पिटल, तो उनकी हालत ठीक है, आउट ऑफ द डेंजर बताया जा रहा है, उनके सीने का एक्सरे वगैरह किया जा रहा है। बाकी जो ये 3 kg सोने वाली बात है इसके संबंध में जितने भी प्रकार के पहलू, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, एक होमगार्ड भी मौके पर पहुंचा था और अन्य पब्लिक के लोग बाग भी थे। तो ये कैसे क्या कहां कहां पे हुआ तो कुछ लोगों ने संभवतः उसमें वीडियो फुटेज भी निकाल लिए हैं, हम उनको भी टेस्ट कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी एनालाइज कर रहे हैं उनका, और बाकी अन्य जितने भी पहलू हो सकते हैं हम हर एक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे, जरूर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। उन्नाव से कैमरामैन जेगम नकवी के साथ सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। ग्रामीण बैंक आर्यावर्त उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में अपनी 705 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रयत्नशील है। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त ने अपने बैंक के ऋण खाता धारकों हेतु कल्याणकारी उपाय के रूप में एक अभिनव योजना ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त दुर्घटना सह विकलांगता बीमा योजना का आज से प्रारंभ किया है, जिसका विमोचन भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा गन्ना संस्थान लखनऊ में किया गया। इसी क्रम में उन्नाव क्षेत्रीय कार्यालय पर भी इस योजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी नाबार्ड डॉक्टर आशुतोष कुमार, उप निर्देशक कृषि श्री नंद किशोर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में PP शुक्ला LDM के द्वारा बताया गया कि यह योजना बैंक से ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए शुरू की गई है। जिस तरह भारत सरकार ऋण खाता धारकों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है उसी क्रम में यह योजना लागू की गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में कार्यरत है और इसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रजनी सिंह जी ने एक योजना बनाई है जिसपे कि जितने भी हमारे ऋण रहता है, जितने भी ऋण लेने वाले कृषक हैं, उन सब लोगों का 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा जो है वो निःशुल्क रूप में उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके साथ उसको अगर कोई विकलांगता या इस तरह की भी चीज़ होती है तो उसका भी कवरेज इसी के अंतर्गत किया गया है। आज इस योजना का शुभारम्भ जो है वो माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा गंगा संस्थान लखनऊ में किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम 15 जनपद में कार्यरत हैं, UP के सभी जनपद में जिला प्रशासन
नाबार्ड एवं एलडीएम साहब के सहयोग से सभी जनपदों में इसका आज विधिवत विमोचन किया गया है। उसी कड़ी में आज उन्नाव परिक्षेत्र में ये किया गया, जिसके मुख्य हमारे सिटी मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र कुमार जी, साथ ही में हमारे नाबार्ड के श्री डॉक्टर आशुतोष कुमार जी डीडीएम साहब और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर नंदकिशोर जी और एलडीएम श्री शाह जी उपस्थित हैं और इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में खूब सहयोग किया। सर, इसमें लाभार्थी कौन लोग होंगे? इसमें लाभार्थी समस्त ऋणग्राहता, चाहे उनका किसान क्रेडिट कार्ड हो या किसी व्यवसाय के लिए ऋण लिया हो, जितने भी व्यक्तिगत ऋणग्राहता है, सभी का कवरेज इसके अंतर्गत किया गया। केंद्र सरकार की क्या योजना थी और किस तरह से हरियाणा ग्रामीण बैंक इसमें आगे बढ़ा रहा है? केंद्र सरकार की योजनाएं जो है वो जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की भी योजना है, साथ में आयस है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स है। इन सब में प्रीमियम जो है, चाहे न्यूनतम प्रीमियम रहा हो 12 रुपये रहा हो या 15 रुपये रहा हो, 330 रुपये रहा हो, इन सब प्रीमियम की धनराशि जो है वो ऋणदाता से वसूल की जाती थी। लेकिन ये एक अभिनव योजना है जो कि हमारे बैंक ने शुरू की है और इसमें जो भी प्रीमियम होगा उसका बैंक द्वारा किया। उन्नाव से कैमरामैन जयगम नकवी के साथ सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। ग्राम चापुरा में खगनार स्थित चाकबारा से हनुमान जी की तीर्थ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र स्थित मुक्ताई नगर माँ शुक्ला बाई के दर्शन करने जाएगी। पैदल चलने वाले तीर्थ यात्रा का स्वागत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं सुभाष हाई स्कूल स्टाफ ने किया। बजरंग दल अध्यक्ष गजानंद कोहली एवं अमोल पाटिल ने बताया कि यात्रा में करीब 200 भक्त जन मौजूद थे। ये यात्रा कहाँ से चलकर आ रही है? ग्राम चाकपारा और सीतापुर से मुक्ताई नगर जा रहे हैं। ये यात्रा पैदल यात्रा चल रही है? हाँ, पैदल यात्रा, तीसरा वर्ष है हमारा। तीसरा वर्ष है? हाँ। और कितने किलोमीटर तक जाना है आपको? ये चाकपारा से मुक्ताई नगर 75 किलोमीटर। ग्राम अड़गांव से मनोज गावंदी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में रोडवेज बस के कंडक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। फतेहपुर बिंदकी से सेनी आने के लिए बस में सवार हुए नीरज नाम की यात्री ने आरोप लगाया है कि बस के कंडक्टर ने उसे टिकट मांगने पर 1.5 साल पुरानी तारीख का टिकट दिया। इसका विरोध करने पर कंडक्टर से टिकट सही करने की जगह विवाद करने लगा, जिसका वीडियो बना यात्री ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वह यात्री ने परिचालक के खिलाफ फर्जी टिकट देने का आरोप लगाते हुए सैनी कोतवाली में तहरीर दी है। सफर कर रहा था सैनी के लिए, रोडवेज में जब मैं बैठा तो कंडक्टर ने मुझे टिकट काट के दी। जब मैंने टिकट देखी तो उसमें टिकट करीब 1.5 साल पुरानी टिकट थी। जब मैंने कंडक्टर से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि ये मशीन की प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, मशीन की प्रॉब्लम है तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बस नंबर चेक किया तो जो बस में नंबर था वो टिकट में बस नंबर नहीं। उसके बाद हमारी काफ़ी बातें हुई और उसके बाद अगर उसको मैंने समझाने की भी कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं। उसके बाद मैंने ID मांगी उससे, उसने ID नहीं शो करी। बस की हालत बहुत बुरी थी। इलाहाबाद डिपो लीडर रोड वहाँ की गाड़ी है, उन्होंने आपको गलत मशीन प्रोवाइड करी है, इसमें 1.5 साल। आप मानते हैं कि बस का नंबर और टिकट में जो नंबर है वो गलत है? गलत। टिकट गलत है ना, टिकट की डेट भी गलत है और जो बस में जो आपका बस नंबर है, बस में जो नंबर है वो टिकट में भी नंबर मैच नहीं कर रहा, वो भी गलत है। ठीक है ना, आप एग्री करते हो? यूपी के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के विकास खंड और सोशल लोधी खेड़ा थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी पिपला नारायण द्वार में एक बच्ची की जहर पीकर मौत हो गई, जिससे परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि बच्ची को जहर पिलाकर मौत की गई और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई, जिससे ग्रामीण आक्रोश में है आकर पिपला नारायण द्वार चौकी का घेराव किया एवं पिपला पांडुड़ा जाने वाली रोड को जाम किया। मौके पर पिपला चौकी प्रभारी महेंद्र भगत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मर्ग डायरी आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और भड़क गए। उनका कहना है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा राजनीति दबाव आएगा जिससे आप गिरफ्तारी नहीं कर पाओगे। मौके पर थाना प्रभारी KK अवस्थी SDOP सोसर KK वर्मा पहुंचे और ग्रामीणों को संतुष्ट किया। इसके बाद पांडुरना सोसर मार्ग शुरू हुआ। छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ये भी कभी समय पता नहीं क्या क्या लिखता है।
इंदौर के बुंदेला एकेडमी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संभागीय सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम ने की। सभा का मुख्य मुद्दा SC ST एक्ट के विरुद्ध सरकार के तानाशाही रवैये के विरुद्ध सभी अन्य पीड़ित समाज को साथ लेकर न्यायपालिका बचाओ मुहिम को एक देशव्यापी आंदोलन के रूप में प्रदर्शित करना। महासभा इस कृत्य का पूर्ण रूप से विरोध करता है, जिसने नगरपालिका का मान मर्दन कर लोकतंत्र की अवहेलना की है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें SC ST एक्ट के विरुद्ध जो भी हम लोगों का अभियान चलाना है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया है सभी राजनीतिक भाइयों ने, क्योंकि ये मीटिंग का जो है स्वरूप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सभी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। हमारे ये सभी से आज निर्णय लिया गया कि यह चूँकि SC ST एक्ट सिर्फ राजनीतिक समाज के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए सभी पे लागू होता है। सरकार ने जो नीति लागू किया हुआ है, चूँकि BJP सरकार का बहुत बड़ा वोट बैंक राजपूत समाज था, और था ही इसलिए कहा जाएगा कि अब आज का राजपूत समाज BJP का वोट बैंक नहीं रहेगा, क्योंकि हमको बस BJP सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, तो उसको लेके हम सभी समाज के व्यक्तियों से संपर्क करेंगे और आने वाले समय में अस्तित्व बचाओ अभियान एक चलाया जाएगा। सभी समाज के ब्राह्मण और भी जो है जैन समाज, कायस्थ समाज, सभी समाज के व्यक्तियों से निवेदन किया जाएगा कि हम इसको कैसे स्वरूप आगे बढ़ाएं, जिस आंदोलन को कैसे करें। और सरकार को चूँकि ये 20% लोगों के तुष्टिकरण के लिए सब किया जा रहा है, इसमें सिर्फ BJP को ही अकेले दोषी नहीं देंगे, कांग्रेस सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी BJP, क्योंकि 1989 में कांग्रेस ने ही ये एक्ट लागू किया था और BJP ने इसको आके स्ट्रॉन्ग किया, और इसलिए हमारे ये है, हो सकता हम आगे नोटा का प्रावधान लें या क्या करें, ताकि आने वाले समय में हम ये सरकार को, दोनों प्रकार की सरकारों के बता देंगे कि ये राजपूत समाज, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनको हाशिए पर ना रखा जाए और ग्रांटेड ना लिया जाए। आने वाले समय में हमारी भी एक तवज्जो है और उसको दिया जाए जो भी रहा, ये हमारा निवेदन है सभी समाज के व्यक्तियों से। ये आंदोलन राजपूत समाज द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन सहयोग सभी का बराबर रहेगा। आने वाले समय में सरकार 2019 हो या 18 हो, ये परिणाम भुगतने को तैयार रहे। यदि इसी SC ST एक्ट को इसी प्रकार लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, और पूरे सरकार, चाहे हमारे राजपूत समाज के नेता हों, ब्राह्मण समाज के किसी प्रकार के लीडर, सब चुप बैठे हैं, ये उनके लिए भी लानत का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9, इंदौर। केमलिया किड्स कॉलेज में विद्यार्थी अलंकरण और शपथ विधि समारोह आयोजित हुआ। शहीद स्मृति मंच के सदस्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्वागत संस्था के संचालक सोमेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजन कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्रों ने अपने संगीत साधनों के साथ सरस्वती वंदना की। उसके पश्चात सभी मनोनीत छात्राओं को बेज और स्कार्फ लगाए। विद्यालय प्राचार्य और अतिथियों ने छात्रों को दी गई जिम्मेदारी का नियम, कायदे और अनुशासन का पालन करने को भी कहा। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और छात्र मौजूद थे। बिड़वाल से पंकज गुजराती की रिपोर्ट। मऊ से जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा तिवारी एवं प्रदेश सचिव प्रेमलता तिवारी के नेतृत्व में मऊ कांग्रेस कार्यालय पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य के लिए महिला कांग्रेस ने मऊ विधानसभा में महिला और युवा कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए और किस तरह से महिलाओं को पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सचिव प्रेमलता तिवारी, जिला अध्यक्ष शैलजा तिवारी, शहर अध्यक्ष महेश जायसवाल, प्रभा स्वामी, श्वेता डिसूजा, ललिता एंथोनी, संगीता कमले, गरिमा चौरसिया, रोहित परमार, राहुल द्विवेदी, नवनीत वर्मा, सचिन गुप्ता, गौरव शर्मा, विपुल जैन, शुभम ठाकुर आदि उपस्थित थे। यहाँ सारे कांग्रेसी भाई एकत्रित हो, हम सब बहनें एकत्रित हो, संगठन को मजबूत करें, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। और हम चाह रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे सारे बिखरे हुए भाई एकत्रित हो, हमारे कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सारे भाई एकत्रित हैं और हम सब एकत्रित होकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट।
जिला मुख्यालय शाजापुर से 5 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहनों ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया। बताया जाता है कि ग्राम रंतभर निवासी 2 सगे भाई राजेश और सुरेश अपने शाजापुर निवासी दोस्त माखन के साथ शाजापुर से बाइक पर सवार होकर करजू मोहना जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया, जिसमें राजेश और माखन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। शाजापुर से शाकिर शेख की रिपोर्ट। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में 20 दिनों से बारिश नहीं होने से किसान चिंतित है। खेतों में लहरा रही फसलें पानी के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच रही है। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव-गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान पदयात्रा कर मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। खातेगांव बस स्टैंड व्यापारियों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर 14 किलोमीटर की पदयात्रा की। ग्राम पंचायत पिपिया नानाकार के हजारों की संख्या में किसान ग्रामवासियों के साथ नर्मदा तक पहुंचे, मां नर्मदा से प्रार्थना की कि और भगवान सिद्धनाथ की पूजा अर्चना की, अच्छी बारिश की कामना के साथ पदयात्रा की। मां नर्मदा के स्थल पर जा रहे हैं सभी ग्रामवासी महिला एवं पुरुष। पानी के लिए नेमावर प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमारे क्षेत्र में बारिश कम है और किसानों बारिश से चिंतित हो गए हैं, इसीलिए सभी मां नर्मदा के तट पर बारिश के लिए अरदास करने जा रहे हैं। नर्मदा में स्नान करने के बाद भोलेनाथ मंदिर में सभी ग्रामवासी जल चढ़ाकर अभिषेक करेंगे और भंडारे में प्रसादी लेकर सब अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सैलाब मां नर्मदा नाभिकुंड नेमावर जा रहा है, जो मां नर्मदा का एक केंद्र बिंदु है। मां नर्मदा से इस क्षेत्र की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई, आस्था श्रद्धा को लेकर हर बार जब जब भी हम मां नर्मदा के किनारे पे गए हैं, मां नर्मदा जब भी हमने प्रार्थना करी है, मां नर्मदा ने हमारी सुनी है। वही आस्था और विश्वास के साथ हम हजारों की तादाद में ग्राम पंचायत पीपला नानकार के श्रद्धालु और क्षेत्र के श्रद्धालु मां नर्मदा से जल मांगने जा रहे हैं और क्षेत्र की अमन और कामना को लेके। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।